नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी प्रतिभा न्यूज में। आपको बता दें कि ग्रामीण चिकित्सक का मुद्दा बहुत जल्द खत्म होने वाला है। कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से ग्रामीण चिकित्सक के बहुत सारे कैंडिडेट और ग्रामीण चिकित्सक के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रिय रंजन किशोर जी मिले थे, तो उधर से क्या कुछ अपडेट है इसी सब मुद्दा पर हम डॉक्टर प्रिय रंजन किशोर जी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि जो आप हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई बंधु का आवाज़ को हमेशा बुलंदी की तरह आप आवाज़ को उठाते हैं। सर, कल आप लोग मिलने गए थे माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से, क्या कुछ अपडेट है ग्रामीण चिकित्सकों को लेकर, क्योंकि बहुत परेशान है वो लोग। कल हम लोग स्वास्थ्य मंत्री माननीय ये मंगल पांडे जी से मिले और पांच प्रतिनिधिमंडल मिलकर गए, तो उन्होंने बोला कि अभी तक जो भी कार्य हमारे मुख्यमंत्री जो द्वारा श्री नीतीश कुमार जी द्वारा हुआ, तो उसका जो ये शिलान्यास करने के बाद अगर कोरोना काल में जो फी का आह्वान किया तो किसने किया। और उन्होंने ये भी बोला कि पहले अगर ग्रामीण चिकित्सक गांव में जब प्रैक्टिस करते थे तो कोई भी अधिकारी जाता था तो वो बंद कर देते थे शटर, लेकिन सर्टिफिकेट देने के बाद अब ठाट से बैठे रहते हैं, किसने किया, मैंने किया। तो उन्होंने गिनाया कि मैं आपका काम किया हूँ, लेकिन आप लोग हमें कभी इसका धन्यवाद का पात्र नहीं बनाए, ना कभी फूल माला लेकर आए। तो मैं ग्रामीण चिकित्सक के संरक्षक होने के नाते मैं बताना चाहूँगा कि ये 25 तारीख तक एक हम लोग बहुत बड़ा आयोजन करने वाले हैं, उस आयोजन में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी मंगल पांडे जी को आह्वान करेंगे और चीफ गेस्ट उद्घाटनकर्ता बनाएंगे और उनको सम्मान समारोह उनके द्वारा करवाएंगे। तो आने वाला समय में हमें लगता है कि हमारे दुख दर्द को सुने हैं और उन्होंने बोला है कि जब तक हमारी आवाज़ लोगों की आवाज़ हमारे कानों तक नहीं आएगी तब तक हम इस पर कुछ नहीं करेंगे। लेकिन उनके तरफ से हरी झंडी है कि आप चिल्ला कर या बोल कर हमें जता देंगे कि हम आपका काम किए हैं तो आगे का काम हम आपका कर देंगे। जब हरी झंडी मिल गया है, आप जिस तरीके से बता रहे हैं और मंगल पांडे जी भी अपने कामों को गिनाए कि आप लोगों को कोरोना काल में हम क्या क्या किए थे, जब इतना सारा कुछ कर सकते हैं तो समायोजन भी कर सकते हैं, उनका साफ तौर पर कहना है, लेकिन यही है कि थोड़ा वेट करा रहे हैं, लेकिन करेंगे। वेट तो होता ही है कोई भी नौकरी में, और वो बहुत ही अच्छे से सलीके ढंग से हम पांच प्रतिनिधि को स्वागत किए, वेलकम किए और बहुत अच्छे से बताए, और उन्होंने कहा है कि इस बार मैं आप लोग का काम कर दूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास और आशा है कि ये काम हो जाएगी। और मैं लगातार अपने ग्रामीण चिकित्सक भाई बंधु के लिए उनसे मिलता रहूँगा और आगे का काम करवाता रहूँगा, जब तक काम नहीं होगी तब तक मैं उनसे मिलता रहूँगा। भरोसा है कि कर देंगे एकदम? जी भाई, भरोसा है 99%। वो बहुत करीबी माने जाते हैं, लगातार आप उनसे मिलते रहते हैं, कभी सम्राट चौधरी जी से भी मिलते हैं तो कभी मंगल पांडे जी से भी मिलते हैं, तो क्या लगता है कि सब मिलकर आप लोगों का समायोजन करेंगे? हाँ बिल्कुल, हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई बंधु जो हम लोग मीटिंग करेंगे, जो सम्मान समारोह करेंगे, उसमें भारी संख्या आएंगे और भारी संख्या देखकर उनको करना मजबूरी होगा। अब नहीं आएंगे तो मैं कैसे कहूँगा कि दो चार व्यक्ति के लिए कोई स्पेशल कुछ करता है क्या? कुछ भी नहीं करता। तो हमारे भाई बंधु को चाहिए कि आना चाहिए जो हम लोग मीटिंग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बहुत जल्द ग्रामीण चिकित्सकों का मुद्दा है जो खत्म होने वाला है। खैर, आपका क्या प्रतिक्रिया इस वीडियो को लेकर हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरीके के तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।